हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो अभी मैं किचन में हूँ और क्या हो रहा है, आज केला का सब्जी बनेगा एंड ये पालक है और मम्मी जी केला काट रही हैं, है ना मम्मी जी? आज मम्मी जी बहुत अच्छे से बोल रही हैं, वेरी गुड। क्या बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं मम्मी जी? मम्मी जी अपना बाल ठीक कर रही है क्योंकि उनका वीडियो में बाल वगैरह बिखरा बिखरा आ जाएगा, इसीलिए एक सेकेंड ये आगे में निकल गया आपका, तो ये ठीक हो गई है। अब इनका भुजिया का प्लानिंग सुनिएगा। हाँ मम्मी जी बताइए, कथी के भुजिया बनते कथी के बताइए ना, गोभी के की अथी के केला के? आप खाइएगा वही ना बनाइएगा, हम सब चीज खाइए तो बना लीजिए कुछ भी का। सागो बनाएगा ना? तो मम्मी जी जब तक कट कर रही हैं तब तक मैं अपना हेयर मास्क रेडी कर रही हूँ। ये है, मैं कोई सब्जी नहीं बना रही हूँ, ये मेरा हेयर मास्क ही है। प्याज और ये है धनिया का पत्ता और ये है मेथी, मैंने इसे बॉईल कर दिया है और अब ये सारे चीज़ को पीस लूँगी, छान लूँगी। फिर मैंने कल रात में ऑयल लगाया था तो मैं इसी पे यूज़ करूँगी, तो बहुत अच्छा वर्क करता है, सो आई एम गोइंग टू डू दैट। सो मैं ना अभी छत पे आई हूँ हेयर मास्क लगाने, ये है मेरा हेयर मास्क, ग्रीन ग्रीन है नहीं, और आजकल बहुत ही ज़्यादा धूप निकल रहा है, मतलब कि दोपहर में तो बहुत ही ज़्यादा धूप निकल जाता है और दोपहर में आने का मन नहीं करता है। सो 9-10 बजे तक ठीक रहता है, आप आके छत पे बैठ सकते हैं, वेदर अभी ऐसा हो गया है, मतलब गर्मी आ रहा है धीरे धीरे एंड नीचे ठंडा लगता है और ऊपर दोपहर में गर्मी लगता है, इसलिए अभी तो नीचे ठंडा लग रहा था इसलिए मैं आई हूँ ऊपर हेयर मास्क लगाने। और आजकल वेदर ठीक हो रहा है, मतलब उतना भी ठंडा नहीं रहा, रात में ठंडा लगता है और दिन में ऊपर गर्मी लगता है नीचे ठंडा ही लगता है। सो वेदर अभी चेंज होने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है, लगता क्या होने ही वाला है। एंड अभी तो मैं ना 2 या 3 दिन हो गया था मेरा हेयर वॉश का, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ आज हेयर वॉश करूँगी। और मैंने कल अपना ऑयल लगाया था, मैं घर पे ही बनाई थी एलोवेरा और ओनियन, मतलब ये सब वाला DIY हेयर ऑयल मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट बार मैं जब भी ये ऑयल बनाऊँगी ना तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड मैं इसको लगा देती हूँ, मैं ना पानी डालने जा रही हूँ पौधा में क्योंकि मुझे लगता है कि सबको पानी की बहुत ज़रूरत है। इसमें मिट्टी गीला है तो मैं इसमें नहीं डालूँगी, इसमें भी नहीं डालूँगी, मैं ना इसमें डालूँगी। आप देख सकते हैं ये जो थोड़ा येलो येलो हो रहा है, मुझे लगता है इसको पानी की ज़रूरत है, तो मैं इसको इसमें आज पानी डालूँगी। एंड ये मनी प्लांट में भी, और इसमें तो पानी लग रहा है और इसमें भी मैं पानी डालूँगी और इसमें भी, मैं सब में पानी आज डालूँगी। पर इसमें मिट्टी गीला है तो मैं सोच रही हूँ डालूँ या नहीं डालूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पता है ये क्या है, ये जो क्या बोलते हैं इसको, वो जो चावल बनता है ना उसमें जो स्टार्च निकलता है, एक्चुअली मेरे यहाँ प्रेशर कुकर में नहीं बनता है, तो उसमें से जो माड़ निकलता है ना मैं वो यहाँ पे डाल देती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा सोर्स होता है और बहुत अच्छा, उससे बहुत पौधा वगैरह बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होता है, बहुत अच्छा होता है इसलिए। और इसमें तो बहुत ज़्यादा पानी है, एज यू कैन सी बहुत गीला गीला भी है, इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ और इसमें बस बिल्कुल थोड़ा सा मैं डालूँगी, इतना काफ़ी होगा। इसमें भी है, आई डोंट नो है या नहीं है, है क्योंकि मिट्टी ना गीला गीला लग रहा है, तो मैं क्या करूँ, इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं पानी, इतना काफ़ी होगा। और इसमें भी तो है बट इसमें भी थोड़ा सा, और इसमें तो बहुत सारा, यार ये सब ना नीचे रखने की वजह से ख़राब हो गया है, तो मैं ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ,
और इसमें भी थोड़ा सा, ये तो बिल्कुल सूख गया है, बस ये बचा हुआ है इसका, तो इसमें भी थोड़ा सा पानी जाएगा। और इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँ कि मनी प्लांट में, क्योंकि इन लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये तो बिल्कुल सूख गया है देख सकते हैं, तो मैं इसमें ना बहुत सारा पानी डालूँगी। हाँ तो काफ़ी इधर से तो पानी निकल भी रहा है। और ये ना मैंने खुद से बनाया है सीमेंट से, स्ट्रॉन्ग है बट ठीक है। और ये देख सकते हैं काफ़ी क्यूट लग रहा है, मैं ऐसा और बनाऊँगी, मुझे टाइम मिलेगा तो, बट इट्स क्यूट। एंड ये थोड़ा सा इस पर, बस इतना हो गया मेरा पौधा सारा। और ये दोनों को मैं छोड़ दी हूँ क्योंकि इसका मिट्टी गीला है, इसीलिए इसको और इसको दोनों को। और ये बन रहा है, और ये बन रहा है क्या बोलते हैं इसको, केला का सब्जी। बस बस आपका गाना सब सुन लिया है मम्मी जी, आपका गाना सब सुन लिया है। तो ये अभी मैं फ्राई कर रही हूँ, ये सरसों का फोरन एंड ऑल। ये केला का सब्जी दो तरीके से बनता है, एक बॉईल करके एक ऐसे ही, तो ये सिंपल वाला है, इसमें ज़्यादा तेल वगैरह नहीं लगता है इसीलिए। और इसमें जाएगा ये सब मसाला, इसमें है जीरा गोलकी और लहसुन सरसों और हल्दी, यही सब है। और ये बिल्कुल मछली जैसा बनता है, मछली का जो भी मसाला रहता है ना वैसा ही। और इसमें जाएगा टमाटर और नमक भी, नमक मैं डाल चुकी हूँ और अभी ये होगा इसको मिक्स। यार ब्लॉगिंग मतलब फ़ोन पकड़ो एक हाथ में एक हाथ में ये करो, बड़ा दिक्कत होता है, बट इट्स ओके। अब इसको फ्राई, ये फ्राई अब होगा मतलब जब तक ये पूरा रेड रेड ना हो जाए, मतलब अच्छे से पता चल जाता है वो कि ये फ्राई हो चुका है, उसके बाद इसका आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आज मेरा फ्रूट है एक गाजर और ये थोड़ा सा ग्रेप्स। यार इससे ना कल हाथ बहुत ये हो गया था, कट करूँगी। तो ग्रेप्स ऑब्वियसली और गाजर और एप्पल, ये मैं आज का। और अब मैं जा रही हूँ ये सब क्लीन करने, क्योंकि थोड़ा बहुत डस्ट है ये सब पे, तो ये सब डब्बा वगैरह, सो ये सब मैं क्लीन करूँगी आज। और मेरा जो सब्जी है वो हो रहा है, बस अब कुछ नहीं करना, अब बस थोड़ा सा धनिया का पत्ता डालना है इसमें और ये रेडी हो जाएगा। काफ़ी सारा एक्स्ट्रा चीज़ भी है यहाँ पे जो मुझे हटाना है, जो एक्सपायर हो चुका है। और यहाँ पे तो मैं रहती नहीं हूँ, तो मम्मी जी रहती हैं, तो उनसे जितना होता है वो करती हैं, बाकी मेरे को ही देखना है ना, तो यही सब है। इसमें क्या है, कितना सॉफ्ट है, आई गेस अभी है, बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है ना, तो क्या बोलते हैं, बहुत गंदा हो जाता है, चाहे आपका किचन खुला हो या बंद हो, तो वो चीज़ आपको सफाई करनी ही होती है। इसमें काला तिल है और ये है, ये तीसी है ना मम्मी जी, इसको तो आज सुखा दीजिएगा, तो तीसी भूंज के ऐसी बना हुआ, हाँ पता है वही, भूंज के आज सुखा दीजिएगा ना, इसको बनाएंगे ठीक है आज। ग्लूकोन डी इसको पिया कीजिए, गर्मी आ गया ना, तो पापा जी आते हैं ना बाहर बाहर से, तो उनको पानी वानी खोजते हैं ना, उसको डाल के इसमें दिया कीजिए, नहीं तो ये भी एक्सपायर हो जाएगा। तो जाओ सब दिया हो, हम अब कहाँ रहेंगे, हम जा रहे हैं 20 तारीख को, तो नहीं होगा तो हम ही लेते जाएंगे, नहीं यूज़ कीजिएगा तो।
20 तारीख का चाय खा हां दवाई खा कथी है क्या बेसन है ये बेसन का पैकेट है वो लगती है ना एमटी दाते है हो एक मैगी का पैकेट है कोई नहीं खाता आजकल मैगी आजकल मतलब हमारे फैमिली में हम लोग मैगी खाना छोड़ दिए हैं बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ इसीलिए और मैं ना पेपर वगैरह निकाल देती हूँ क्योंकि पेपर से ना पेपर से भी बहुत गंदा हो जाता है तो और ये जो फर्श है इसको आप ऐसे भी क्लीन करते हैं लाइक थोड़ा सा लिक्विड से तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है इसीलिए मैं फर्श को निकाल रही हूँ मतलब सॉरी पेपर को फर्श बोल रही हूँ लिटरली सर ये हो गया है अब बस मैं ये सब सारे जो बॉटल है ना उसको डस्टिंग करके पोंछ के फिर रख दूँगी जैसे सरसों ये इतना सारा बेसन है सो अब मैं जा रही हूँ ये सब क्लीन करने मतलब कि वो डब्बा वाला सेक्शन हो गया है अब ये सब कप और जो भी बर्तन मैं रखती हूँ ना नीचे के साइड वो मैं जा रही हूँ क्लीन करने बेसिकली मैं यहाँ पे कप और चम्मच वगैरह रखती हूँ इसमें और ये जो पेपर वगैरह ये सब भी बहुत गंदा हो गया था तो मैं ये सब को निकाल के और फिर फ्रेश पेपर डालूँगी इसमें और ये सब बहुत मतलब टाइम लग जाता है इसमें क्योंकि बहुत छोटा छोटा सेक्शन होता है आपको एकदम अच्छे से क्लीन करना होता है इसीलिए तो मैं ये सब पहले सूखा कपड़ा से पोंछूंगी इसका डस्टिंग करूंगी फिर नया पेपर इसमें डाल के और फिर सारा जो भी सामान है मैं इसमें सरियाऊंगी सो एज यू कैन सी सारा क्लीनिंग हो चुका है ये वाला एंड इस साइड भी और इधर भी सब नए पेपर वगैरह सब चेंज करके मैंने क्लीन कर दिया है एवरीथिंग एंड ये किचन वगैरह भी सब क्लीन हो चुका है मैं नहा ली हूँ और अब मैं कपड़ा सूखने के लिए डालने आई हूँ छत पे आज मम्मी जी नीचे थोड़ा बिजी थी पता नहीं कोई काम में अपना ही कुछ कुछ कर रही थी बाल बाल कोम्ब कर रही थी तो मैं आज आई हूँ डालने और अभी मतलब दोपहर का टाइम हो रहा है 12 या 1 बज रहा होगा और अभी मैं डाल दी हूँ क्योंकि फिर तो कपड़ा भी तो सूखना होता है ना ये सब को इसीलिए और मैं आज बाल भी धोई थी तो मैं थोड़ा छत पे आ गई सो दैट कि थोड़ा नीचे ठंडा लग रहा था इसलिए मैं थोड़ा छत पे कपड़ा डालने आई थी और थोड़ा धूप भी लग जाएगा ज़्यादा नहीं रहूँगी मैं 10 मिनट बहुत है छत पर इससे ज़्यादा आजकल मैं रहती हूँ ना तो बहुत गर्मी लगने लगता है बेसिकली धूप बहुत ही ज़्यादा मतलब ये हो गया है क्या बोलते हैं टेम्परेचर उसका ज़्यादा हो गया है और बस मैं ये सब को डाल दूँगी और फिर ये सब सूख जाएगा स्वेटर वगैरह भी मैं आज धोई हूँ ये सब छोटा मोटा काम था आज और ज़्यादा मैं कपड़ा आज नहीं धोई हूँ थोड़ा ही सा है और फिर पीछे पीछे मम्मी जी भी आ गई देखिए क्योंकि उनको मन नहीं लगता है इसीलिए और कपड़े के मामले में यही एक्सपर्ट है इन्हीं को आता है कैसे अरेंज करना है कैसे डालना है सूखने के लिए ये सब यही करती हैं और बहुत अच्छे से सुखाती हैं और सब चीज़ देखते रहती है हमेशा सो गाइस अभी शाम का टाइम हो रहा है एंड आई विल शो यू मम्मी जी क्या कर रही हैं मम्मी जी आप क्या कर रही हैं थोड़ा बताइए ना ओह शिट लाइट कट गया सो गाइस अभी शाम हो गया शाम क्या रात ही हो गया आप देख सकते हैं विंडो के बाहर कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको और अभी मैं जा रही हूँ ये जो सीसी होता है ना ये इसको फ्राई करने क्योंकि आज मैं इसी का पराठा बनाने वाली हूँ और सबको यहाँ बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत हेल्दी होता है तो मैं आज इसी का पराठा बनाने वाली हूँ और ये फ्राई करने टाइम बहुत ही ज़्यादा उछलता है इसलिए मैं आज अपनी प्यारी सी मम्मी जी का हेल्प लूँगी वो अभी चूड़ा रख रही हैं इसमें क्यों रख रही है चूड़ा बहुत बड़ा डब्बा है इसमें नहीं रखी है ना चूड़ा इसमें दाल रखते ना दाल भी तो अचानक खत्म हो जाती है ना ओ तो अभी ये फ्राई होगा
और ये फ्राई करने टाइम बहुत ही ज़्यादा उछलता है, इसको ढक करके फ्राई करना पड़ता है। ये कढ़ाई गर्म हो रहा है, उसके बाद सब कुछ एक ही साथ रख दी। कभी ऐसे ही बादाम खाने का मन करे तो ओके। तो ये अभी गर्म हो रहा है और यहाँ पे मैं मम्मी जी का हेल्प लूँगी एज आई टोल्ड यू। और इसको फ्राई करने के बाद ना, ये फ्राई करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा इसका जो एक सेकंड का जो कलर है ना, वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। सो आप देख लीजिए कैसा फ्राई, अभी नहीं होगा मम्मी जी, थोड़ा सा तेज कर देता हूं। अभी नहीं, इसलिए जब उछलने लगे ना, तो पहले एक दो उछलेगा, उसके बाद पूरा ये चुरचुराता है। नहीं नहीं, वैसे थोड़ी होता है, पूरा उछलने लगेगा। अच्छा आप मुझे भूलिएगा ना, तो अभी नहीं, और ये बहुत ही ज्यादा उछलेगा। आई विल शो यू। और ये मेरी मम्मी जी प्यारी सी, बहुत मेरा हेल्प करती है मम्मी जी थैंक यू। देख लीजिए इनका स्माइल। देखिए बहुत ही ज़्यादा इसमें आवाज़ आएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा ये होता है, और ये हो गया है। ये थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, कलर थोड़ा डिफरेंट होगा। पहले ये फ्राई किया हुआ है और ये बिना फ्राई किया हुआ है, और इसमें डाला जाएगा भी दूसरा बार। तो आप देख सकते हैं ये बन गया है। इसको ये जो पीसी था ना, मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया है, और ये जो है बड़ा बड़ा ये गुड़ है। तो पराठा के लिए स्पेशली क्या करना होता है, आपको इस तरीके से फिल करना होता है। और ये जो है ये ना, मैं बचपन में बहुत ही ज़्यादा खाती थी, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था ये चीज़ खाना बचपन में। सो गाइज, अभी टाइम बज रहा है 10, और मैं जा रही हूँ अपना खाना खाने। और आज मैं बनाई हूँ ये तीसी और गुड़ का जो पराठा होता है वो, और ये मैं ना बचपन में बहुत खाती थी, और मम्मी बहुत बना के देती थी, मुझे याद है अभी तक। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बहुत दिन बाद मैं ये बनाई हूँ। एंड ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत अच्छा है। एंड मैं ना इसे घी में सेकी हूँ, सो दैट कि ये थोड़ा हेल्दी हो, और घी में सेकने से ना इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। सो मैं अभी यही खाने जा रही हूँ, और मैं यहाँ पे दो पराठा खा रही हूँ। बेसिकली मैं इसे ना तोड़ के दिखाती हूँ, इसका जो फीलिंग होता है ना बहुत अच्छा होता है, एज यू कैन सी। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट।